जी दीक्षित जी, आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? चिंचल और धवल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात करिए। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांवों को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन्न होती है 11000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें? छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग, कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35 से 37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं। छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा। गांव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा, 50 लाख कोटी में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटी जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का तो 6 लाख कोटी हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे। अभी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 64 तरह के टैक्स, 23 अंग्रेजों के और काले अंग्रेजों के, 64 तरह के सब टैक्स खत्म कर दें तो भी ये देश चलेगा, एक भी टैक्स हम नहीं लें। इनकम टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज खत्म, सेल्स टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म, सारे टैक्स खत्म। फिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा? जो बचा पैसा है स्विस बैंक का उसके ब्याज पे चलेगा। और कभी कमी पड़ेगी पैसे की? वैसे तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि विकास का सब काम हो गया तो फिर पैसे की जरूरत क्या। अगर मान लीजिए कमी पड़ेगी तो लोगों से दान मांग लेंगे। भारत के लोग तो बहुत दान देते हैं, देश के लिए भी दान देंगे। कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने दान दिया, गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया, उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो दान दिया, बिहार में अभी बाढ़ आई थी तो हमने दान दिया। तो भारत के लोग तो दान देते हैं, दानवीर हैं, दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो। और मुझे लगता है कि दान ज़्यादा देंगे, टैक्स नहीं देते, क्योंकि टैक्स वीर नहीं है, दानवीर है। इस देश के ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो टैक्स में पैसा बचाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स रखते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए का। मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते? वो मुझे बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं राजीव भाई, भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते। ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का, इनको हम एक पैसा भी नहीं दे सकते, सुपात्र को हम चाहे उतना दे सकते। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया, आप सोचेंगे हैरान हो जाएंगे, हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन, चाय का एक प्याला 5 रुपए का है ना,
हर आदमी 5 रुपए भारत देश को रोज दान दे दे तो साल भर का कुल कलेक्शन इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा आता है। इतनी ताकत है दान में। और हम जब सारे टैक्स खत्म कर दें, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, तो लोग तो और ज्यादा दान दे दें, क्योंकि उधर से पैसा बचेगा उनका, देश के लिए दान देने में किसी को त्रास नहीं। वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए, लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं इस देश। तो हम दान आधारित देश चलाएंगे। और अगर कभी टैक्स लगाना भी पड़ा, मान लीजिए, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टैक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जरूरत पड़ी तो भारत में जो ट्रांजेक्शन होता है रोज का, बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से 1,25,000 करोड़ रुपए रोज का, कैश में ट्रांजेक्शन होता है 5,00,000 करोड़ रुपए का, दोनों जोड़ दें तो 6,25,000 करोड़ का डेली ट्रांजेक्शन है। एक साल का ट्रांजेक्शन निकालें तो 365 का गुणा कर दें। इस पूरे ट्रांजेक्शन पर अगर 2% टैक्स ले लें तो आज के टैक्स से कुल मिलाकर 3 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। सिर्फ 2% ले लें, और 1% ले लें तो आज के कुल टैक्स से 1.5 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। माने पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में। और लोग मुझे कहते हैं कि आप 64 तरह के टैक्स हटा दो, हम बहुत आसानी से आप जो कहोगे वो दान में दे देंगे। इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों को मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम, हम आपको गारंटी देते हैं कि 1,000 गांवों को हम उतनी सुविधाएं दे देंगे जितनी शहर में। और 1-1 भारत का बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, डालमिया वगैरह वगैरह, 1,000 गांव को अगर गोद लेकर विकास कर दे तो भारत के हर गांव की तकदीर बदल जाएगी, कहानी दूसरी हो जाएगी। वो ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, जो हम सरकार को दे रहे थे टैक्स में वो गांव को लगा देंगे, हमें तो पैसे लगाने ही है। तो विकास की सारी योजनाएं इस तरह से हम बना सकते हैं, इस देश को 0% टैक्स बना सकते हैं। और 0% टैक्स होते ही 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि महंगाई एकदम नीचे आएगी, 70% चीजों के दाम एक झटके में खत्म हो जाए। जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 30 रुपए की। अगर हम सारे टैक्स खत्म कर दें इस देश में से, तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.5 रुपए का, 1 रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, 1 पेन आपको मिल जाएगा 2 रुपए का, दाल मिल जाएगी 12-15 रुपए किलो, चावल मिल जाएगा 17-18 रुपए किलो, साखर मिल जाएगी 12-13 रुपए किलो। आप न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस आए, 7,000 रुपए में सब काम हो जाएगा जो अभी 90,000 में होता है। आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा IIT में तो 5 साल का खर्चा 25,000 आएगा जो अभी 5,00,000 आता है। MBBS करेगा तो 5 साल का उसका खर्चा 35-40,000 आएगा। सब टैक्स कम होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी। और जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बिताने का रास्ता खुलेगा। और एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है तो भी घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है। फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी तो घर खर्च बहुत अच्छे से चले। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो सरकारी नौकरी में पहली बार आए तो उनको 250 रुपए की पगार मिली थी, उसमें उन्होंने घर का सारा खर्च चलाया था और 3 तोला सोना खरीदा था पहली पगार से। 250 रुपए मिली थी घर का खर्च चलाने के बाद, 3 तोला 30 ग्राम सोना खरीदा। और वो कहते हैं हर महीने में मैं 30 ग्राम सोना खरीदता था, इतनी 250 रुपए की वैल्यू थी। अब 3 तोला सोना खरीदना हो तो 30,000 तो ऐसे ही चाहिए, अब तो 45,000 चाहिए। 45,000 तो सोने के लिए चाहिए, 15-20,000 घर चलाने के लिए, माने 50,000 का खर्चा मिले तो 3 तोले सोना खरीदे और घर खर्च चले। इतनी महंगाई बढ़ी है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये खत्म कर सकते हैं हम। कम पैसे में जिंदगी गुजर सकती है, कम पगार में जीवन चल सकता है। और कम पगार में जीवन चलने लगे तो 6th pay commission की जरूरत नहीं, 5th pay commission की जरूरत नहीं, 4th pay commission की जरूरत नहीं। ये सब खत्म कर सकते हैं, व्यक्ति को असमानता से निकालकर हम समानता में ला सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर टैक्स खत्म हो जाए, इनकम टैक्स, तो काला धन रह नहीं सकता, ब्लैक मनी होगा नहीं।
ब्लैक मनी होगा नहीं तो कोई बेईमान हो नहीं सकता, सब ईमानदार हो जाए। और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते। जब मनी ब्लैक होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती है। जब काला धन रहेगा नहीं तो कोई रिश्वत देगा नहीं, कोई लेगा नहीं। तो ईमानदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाएगी। और एक बड़ा काम होगा, काला धन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा। सफेद होगा तो या तो बैंकों में जमा होगा या उद्योगों में लगेगा, व्यापार में लगेगा, या लोग उसको खर्च करेंगे। अभी भारत में 36 लाख कोटी रुपए का काला धन है। इनकम टैक्स खत्म करते ही ये सारा सफेद हो जाए। और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं, क्योंकि वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक नहीं। तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा। जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही